नमस्कार रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज लेडीज सूट बनाने जा रही हूँ, जो हम वुलन से बनाएंगे और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी बुनना जानते हैं तो आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रही हूँ, और सर्दियों में भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। हम एक सलाई में 58 फंदे डाल लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे फंदे डालने तो आपको आते होंगे, अगर नहीं आता है तो इस तरह से आप डाल लीजिएगा। जैसे भी आपको फंदे आते हो डालने वैसे ही डाल लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए हमने 58 फंदे डाल लिए हैं, ये हमारे 6 से 7 नंबर सूज के लिए हैं। और अब हम इन्हें बुन लेंगे। आप चाहे सीधी सिलाई करिएगा चाहे उल्टी, लेकिन एक जैसी सिलाई आपको करनी है। मैं सीधी सीधी सिलाई कर लूँगी। ये देखिएगा सिंपल तरीके से बिल्कुल सभी को आता है इस तरह से बुनना। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सभी तरह की नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। ये देखिए इसी तरह से हम इसे बुन लेंगे। और ये देखिएगा इसी तरह से मैंने बुनते हुए सीधी सिलाई 8 लाइनें कर ली हैं इस तरह से ये। और वैसे देखा जाए तो ये हमारी 16 लाइनें हैं। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। हाँ मैं वाइट कलर लगा लेती हूँ, आप जिस कलर को चाहें लगा सकते हैं या एक कलर में भी बना सकते हैं। या दो कलर, या आप डिपेंड करता है। हमें सूज में इस तरह का डिजाइन बनाना है। देखिए मैंने पहले व्हाइट लगाया है, फिर रेड और फिर ब्राउन। आप चाहे कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं, कोई भी ऊन लगा सकते हैं। ये मेरी 9 लाइनें हैं जो मैंने दूसरे कलर से बनाई हैं। ये देखिए मैंने ये सब डिजाइन बना लिया है, 3 कलर लगा के मैं इसे बंद कर दूंगी और मैं फिर से येलो कलर से बुनूंगी। येलो कलर से मुझे फिर से 6 लाइनें करनी है, कुल मिला के 12 लाइनें और 6 ये लाइन करनी है। चलिए मैं इसे करके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिएगा मैंने 6 लाइनें कर ली हैं। वैसे उल्टी उल्टी ये 6 लाइनें हैं, और अगर देखा जाए तो ये 12 लाइनें हैं। 2 लाइनों में 1 लाइन बनती है, 2 सिलाइयों में 8 लाइनें मैंने ये नीचे की हैं उल्टी उल्टी, 9 लाइनें मैंने दूसरे कलर की हैं उल्टी उल्टी, और 6 लाइनें ऊपर की हैं। अब हम इन्हें घटा देंगे। मैं इसमें से 29 फंदे घटा दूँगी, 29, और बाकी के ऐसे ही रहने दूँगी। अगर आप 5 से 6 नंबर सूज बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 54 फंदे डालिए, 54 फंदे, और यहाँ उसमें 27 फंदे आपको घटाने हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ मीडियम साइज़, तो मैं 29 फंदे यहाँ पे घटा दूँगी, और मैं 58 फंदे मैंने इसमें सिलाई में डाले हैं। तो चलिए घटाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। और ये देखिए मैंने 29 फंदे घटा दिए हैं, 29 फंदे, और मेरे इतने फंदे बच गए हैं। अब जो मेरी ये 29 फंदे बचे हैं इन्हें मैं सीधा बुन लूँगी, ऐसे ही काट काट जैसे हमने नीचे बुना है। और कितने बुनना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए मैंने अपना पीस पूरा बुन लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी लाइनें मैंने बनाई हैं। ये मेरी 18 लाइनें हैं इसमें। आपकी कम या ज़्यादा भी बन सकती है, ये आपके हाथ पे डिपेंड है कि आपका हाथ टाइट चलता है या लूज। मेरा नॉर्मल साइज है, मैं नॉर्मल ही हाथ चलाती हूँ। वैसे दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम इसे नाप के देख लेंगे इस तरह से, ठीक से नापेंगे मिलाकर बिल्कुल, और ये हमारा बराबर होना चाहिए। अगर हमारा कम या छोटा है तो हम और बुन लेंगे। इस तरह से नापेंगे बिल्कुल बराबर, क्योंकि हमें इसी तरह से इसकी सिलाई भी करनी है। ये पीस हमारा इसके बराबर होना चाहिए। ये देखिए मेरा ये बराबर हो गया है। अब मैं इसके फंदे घटा दूंगी। इस तरह से ये फंदा हम बुन लेंगे।
और फिर वापस से इसमें डाल देंगे और फिर ये वाला फंदा हम इसके ऊपर को उतार देंगे। इसी तरह से मैं सभी फंदे घटा लूँगी। आपको अगर किसी दूसरे तरीके से फंदे घटाने आते हैं तो आप वैसे भी घटा सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं फंदे घटाने के बाद। और ये देखिए मैंने इसके फंदे घटा लिए हैं और ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए हम ऐसे मिलाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था और ये हम रोंग साइड से सिलाई करेंगे। रोंग साइड से कर लेंगे हम इसे उल्टा और तब हम सिलाई करेंगे। ये मैंने ऐसे मिला दिया है बिल्कुल बराबर और मैं इसे सिल लेती हूँ। पहले हम यहाँ से सिल लेंगे। अगर आप किसी दूसरे तरीके से सिलना चाहते हो तो आप वैसे भी सिल सकते हैं क्रोशिए से या मैं इस तरह से सिंपल सिल लेती हूँ इसे। चलिए सिलने के बाद देखते हैं। और ये देख लिए ये सिलाई मैंने पूरी कर ली है और ये इस तरह से हो गया है। अब हम इस तरह की सिलाई करेंगे नीचे वाली। इसे भी हम ऐसे ही सिल लेंगे और बराबर मिला लेंगे। ज़्यादा खींच कर नहीं सिलेंगे वरना झोल पड़ जाएगा। दोनों को बिल्कुल एक जैसा रखेंगे। चलिए इसे सिलने के बाद देखते हैं ये कैसा लगता है। और ये देख रहे हैं हमने ये भी सिल लिया है। अब हम जो इसकी चोंच है ये थोड़ा निकली हुई लग रही है, अच्छा नहीं लगता इस तरह से, तो दो तीन लाइनें छोड़ करके इसे बीच में से ऐसे सिल देंगे जिससे नोक सी ना रहे, थोड़ी गोलाई आ जाए। जो धागे हैं उन्हें हम अंदर कर देंगे सिलाई से, बाहर में बिल्कुल साफ रहना चाहिए। और हमने ये सिल लिया है, जो एक्स्ट्रा धागा को हम काट देंगे और थोड़ा अंदर कर देंगे, बिल्कुल मिला के नहीं काटेंगे धागे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए सीधा करके कितना प्यारा बना है और इसे बनाना कितना आसान था आपने देखा ही होगा। ये देखिए आपकी सर्दी इस बार हो जाएगी दूर। इसे पहनिए और बहुत आरामदायक भी है। तो आपने देखा ना सूट बनाना कितना आसान है। अगर आप 5 से 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 54 फंदे डालिएगा और अगर आप 5 से 6 से 7 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आपको 58 फंदे डालने हैं। 8 लाइनें हमने पहले बुननी है, 9 लाइनें हमें दूसरे कलर की और 6 लाइनें हमें फिर बुननी है कलर लगाने के बाद में और फिर थोड़ा सा सीधा बुनना है और बस फिर सिलाई बन गया हमारा सूट। है ना कितना आसान सूट बनाना। अगर आप चाहें तो इसके इस तरह के आउटलाइन भी कर सकते हैं, क्रोशे से कर लीजिएगा या फंदे उठाकर से आप सिलाई से कर लीजिए, उससे थोड़ा सा टाइट हो जाता है बॉर्डर जैसा। और अगर आप ना चाहें तो ना करें। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक।